हमारा सामान चोर तुम गिरा लो, हमारा जिम्मेदारी लो, तुम मेरा देख, तुम जाओ अपना काम करो। दूर से आए मैया आपके दर्शन के लिए, आशीर्वाद दीजिएगा मैया। आपका हमें तो बंगाल से है भैया, बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल। गाइस स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। गाइस अभी मैं हूँ बरसाना में, बरसाना जो कि राधा रानी का धाम है, राधा रानी का जन्म स्थान, राधा रानी का गांव है और बहुत ही प्यारा गांव है भाई। कल ही हम आए थे बरसाना, राधा रानी के दर्शन किए, राधा रानी रसोई में प्रसाद आदि पाए, ठीक है, और उधर में यात्रियों के ठहरने की भी सुविधा है तो रात को उधर ही रुक गए थे। बाकी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बस स्टैंड बरसाना, ठीक है, तो यहाँ से आपको मथुरा, गोवर्धन और भी अलग अलग जगह की बसें मिल जाएंगी, वृंदावन की बसें मिल जाएंगी। ये सारी जो बसें ये वृंदावन की बसें खड़ी है, ठीक है। तो आज के इस ब्लॉग में हम चलेंगे वृंदावन, ठीक है, वृंदावन की गलियों में घूमेंगे, कान्हा के दर्शन करेंगे, सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे और अनिरुद्धाचार्य जी के भी दर्शन करेंगे, गौरी गोपाल आश्रम विजिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है। बाकी चलते हैं बस में, अपना लगेज भी बस में रखा हुआ है तो बस अभी 5-10 मिनट में खुलेगी यहाँ से। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं बस है जो कि वृंदावन के लिए है, बाकी खुल चुकी है बस, तो चढ़ जाते हैं बस में। और ये आप देख पा रहे हैं बस का इंटीरियर, ठीक है, और इधर में अपना लगेज रखा हुआ है तो बैठ जाते हैं सीट पर। तो गाइस अपनी बस खुल चुकी है, ठीक है, और टिकट पड़ा बस का 70 रुपये, ठीक है, और बरसाना से वृंदावन का डिस्टेंस आपका 49 किलोमीटर, सही है, 1.5-2 घंटे तो लगेंगे भाई बस। तो गाइस अभी बस से उतर गए श्री धाम वृंदावन में, ठीक है, और हम उतरे हैं पापड़ी चौराहे पे, ठीक है, ये चौराहे का नाम है पापड़ी चौराहा, और यहाँ से सामने पड़ेगा अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम। हालांकि बस स्टैंड जाते तो फिर बस स्टैंड से ऑटो लेकर के या ई रिक्शा से आना पड़ता, तो मैं यहीं पर उतर गया, ठीक है, और यहाँ से ये रास्ता जाता, ठीक है, गौरी गोपाल आश्रम के लिए। तो 5-10 मिनट पैदल जाएंगे, ठीक है, इसी रास्ते से 5 मिनट सामने पड़ेगा गौरी गोपाल आश्रम, तो चल। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए गौरी गोपाल आश्रम, ठीक है, पापड़ी चौराहे से 5 मिनट पैदल चल कर के आएंगे, ठीक है, 5 मिनट में पहुंच गए यहां पर आश्रम से, और ये आपका परिक्रमा मार्ग पे ही है, ठीक है, ये परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का, और ये आप पीछे में आप देख पा रहे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, ठीक है, ये वृद्धाश्रम है और इसी भवन में जो है वृद्ध माताएँ रहती है, ठीक है। बाकी यहीं पर पास में है गौरी गोपाल रसोई, ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, वृद्ध माताओं के दर्शन करेंगे, प्रसाद आदि पाएंगे, ठीक है, और इधर में है ये सामने जो भवन आप देख पा रहे हैं, इस भवन में है आपका, यहाँ से गुरु महाराज जी कथा वाचन करते हैं, ठीक है, तो सारा का सारा सब कुछ हम लोग दर्शन करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी चलते हैं गौरी गोपाल रसोई, अंदर प्रसाद आदि पाते, ठीक है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, ठीक है, ये आपका गेट है एंट्रेंस, और यहाँ पर आप देख पा रहे इधर में जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड है, और यहाँ आप देख पा रहे ऊपर में ऊपर जाकर वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य करें, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए, ठीक है, और इधर में पास में ये आपका गौरी गोपाल रसोई, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं गौरी गोपाल भगवान की रसोई है, ठीक है, तो यहाँ पर हजारों भक्तगण हर रोज़ प्रसाद आदि पाते हैं, तो चलते हम लोग और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम हरि बोल, हजारों भक्तगण रोज दिन यहाँ प्रसाद पाते हैं, ठीक है, ये यहाँ से पहले मिले हम लोग खाली, ठीक है, अब चलेंगे प्रसाद। रोटी
गाइस ये मैंने भोजन प्रसाद ले लिया, ठीक है। रोटी है, तवा फुलका, राइस है, दाल है और सब्जी है, ठीक है। भोजन प्रसाद आरंभ करते हैं। अरे तो गाइस भोजन प्रसाद हो गया, ठीक है। बहुत ही शानदार भोजन प्रसाद है, ठीक है। दाल चावल रोटी सब्जी। बाकी अभी हम आ गए कार्यालय ऑफिस में और यहाँ पर लाइन में लगे हुए, ठीक है। ये आप बहुत सारे लाइन है, भक्तों की लाइन है और ये गुरु महाराज के दर्शन करने की लाइन है, ठीक है। तो लाइन में लगकर गुरु महाराज का भी दर्शन करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिस है, कार्यालय ऑफिस, ठीक है। और ये आप देख पा रहे भक्तों की भीड़ लाइन दर्शन करने के लिए। तो गाइस ये आप गुरु महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं। गुरु महाराज जी आ गए हैं, गद्दी पर विराजमान है और भक्तगण लाइन लाइन से जा करके बारी बारी से गुरु महाराज जी से मिल रहे हैं, ठीक है। और हम भी लाइन में और बड़े उत्साहित हैं गुरु महाराज जी से मिलने के लिए। लाइन में लगे हुए, ठीक है। और गुरु महाराज जी आ गए, ठीक है। गुरु महाराज जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तगण लाइन में जा रहे हैं और हम भी बहुत उत्साहित हैं। गुरु नाम की चल रही है, पूज्य महाराज जी के द्वारा कल सुबह 7:30 बजे गुरु मंदिर दिया जाएगा। बोला बोला निरुद्धाचार्य गुरु जी महाराज की, बोला गौरी गोपाल आश्रम की, बोला श्री श्री अनिरुद्धाचार्य गुरु जी महाराज की। प्रणाम करके आगे बढ़ते रहे। लाइन में काफी नजदीक पहुंच चुके हैं गुरु जी महाराज के दर्शन के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत उत्साहित है भाई, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। हरी राधे राधे। प्रणाम करके आगे बढ़ते रहे, ऊपर जाकर पहले दूसरी मंजिल पर जाकर ग्रहण करें। तो गाइस गुरु जी महाराज के दर्शन हो गए, खुशी की आशीर्वाद प्राप्त हो रहे, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा गुरु जी महाराज के दर्शन, ठीक है। बाकी बैग तो हम अपने किधर रख दिए थे, इतने भीड़ अरे मैंने अपनी बैग उधर अपना काम कर लो, मैंने अपनी बैग उधर सोने में रखी थी। हमके बैग तुम उधर हमारा सामान चोरी तुम गिरा लो, मेरा जिम्मेदारी छोड़ो, तुम मेरा बैग कर दो, तुम अपना काम कर लो। तुम बोलो क्या बोल रहा, अच्छा तुम बोलो पहले क्या बोल रहा। अच्छा ठीक है, काम तो तुमको कुछ नहीं बोलने गया, तुम मेरा बैग क्यों फेंका, तुम्हारा बैग कहाँ नहीं है, उधर उधर तुम क्यों बोल रहे हो, इसका बैग मैं छोड़ दूंगा। गाइस अभी अपनी बात से मुंह कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि मैंने बैग छुआ ही नहीं तुम्हारा और मेरा बैग उठा के उधर साइड में फेंक दिया। ऐसा काम मत करो, ठीक है। गुरु जी महाराज का दर्शन करो, लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, वृद्ध माताएं हैं। राधे राधे। तो गाइस आ गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पर वृद्ध माताएं हैं। वृद्ध माताओं के, ठीक है। वृद्ध माताओं से दर्शन के लिए किधर से आए, यहाँ से नीचे नीचे बड़ी दूर से आए मैं ये आपके दर्शन के लिए, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। ये सामान उठाओ, रखो। आप कहाँ? मैं तो बंगाल से हूँ भैया, बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल आसाम से। ए भैया,
अच्छा हाँ 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 नहीं 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 ये बाहर ठीक है तो सामान बैग बाहर हाँ 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 तो गाइस ये मैया है ठीक है हरी बोल इधर में कथा चल चलो मैया के दर्शन हो गए मैया के आशीर्वाद प्राप्त कर लिए जेके नगर आसनसोल और यूट्यूब पर तो बाबा की कथा गुरु महाराज की कथा सुनते हैं आप लोगों के दर्शन भी कभी कभी यूट्यूब पर महाराज की कथा सुने हाँ अभी तो बंद हुआ है हमने हम तो अभी आए हैं आकर के गुरु महाराज के दर्शन किए और उसके बाद आप लोगों के दर्शन किए 10 बजे से 1 बजे पहले 1 बजे से होता था 4 बजे अच्छा अब कैंसिल हो गए 1 बजे वाला अब 10 बजे होगा अब 10 बजे होगी रोज 12 महीना होगी 10 बजे नहीं तो गाइस 2-5 मिनट मैया के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत अच्छा लग रहा बाकी मैं तो बाहर बाहर ही रहता हूँ घर परिवार से दूर रहता हूँ बहुत अच्छा लग रहा मैया के चरणों में बैठ करके मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके ठीक है बाकी अभी चलते हैं और थोड़ी देर में गुरु महाराज की कथा आरम्भ होगी तो कथा वाले भवन में चल करके वहाँ पर कथा ठीक है मैया आशीर्वाद दीजिएगा अभी चलते हैं गाइस ये आप दर्शन कर पाए वृद्ध माताओं के ठीक है इधर भी मैया लोग हैं हरी बोल इधर में भी 2-3 माताएं हैं वृद्ध माताएं हरी बोल तो गाइस ये आप पूरा फ्लोर देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग कमरे बने हुए हॉल टाइप के भी कमरे हैं इसमें माताएं हैं वृद्ध माताएं इधर में भी वृद्ध माताएं हैं इधर में भी माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं माताएं ठीक है बाकी राधे राधे इधर में आप दर्शन कर पा रहे हैं वृद्ध माताओं के हरी हो जाएगा जी अरे सेलिब्रिटी बन गए हैं आप आपके आपको देखने के लिए बहुत दूर से आए हैं हम तो गाइस ये आप पूरा हॉल देख पा रहे हैं ठीक है ये सेकंड फ्लोर है इधर में भी माताएं हैं जो कि अभी विश्राम कर रही हैं माताएं ठीक है इधर में भी कुछ माताएं हैं इधर में भी माताएं हैं ठीक है विश्राम कर रही हैं माताएं ठीक है बाकी इधर में भी माताएं हैं हरी बोल राधे राधे मैया वृद्ध माताओं के दर्शन हो गए ठीक है उनके चरणों में बैठ करके आशीर्वाद भी प्राप्त हो गए बाकी अभी हम लोग चलते हैं नीचे ठीक है जी आप देख पा रहे हैं ये हॉल है ठीक है गौरी गोपाल आश्रम का ही ये हॉल है प्रांगण है ठीक है और यहाँ पर यात्रियों के ठहरने की निःशुल्क सुविधा है ठीक है आप दिन हो रात हो किसी भी टाइम यहाँ पर आराम कर सकते हैं जो भाई साहब है कहाँ से आए आप कहाँ से आए आदर्श नगर यूपी अच्छा दिल्ली आदर्श नगर से भाई साहब अपने चलो हम भी दिल्ली से ही आ रहे हैं और दिल्ली में अशोक बिहार में हाँ अशोक बिहार में अच्छा आपने बिहार से अच्छा बिहार कौन जगह से आप अच्छा अलग अलग जिले अलग अलग जिले से चलिए बहुत बढ़िया मिला सब एक ही फैमिली से हैं लेकिन अलग अलग डिस्टेंस से आए चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा अरे कोई नहीं चले जाएंगे चले जाएंगे तो गाइस ये पूरा प्रांगण अरे कोई नहीं मैं खींच ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ चले जा रहे चलो माताएँ बहनें जो है तो आप किसी भी टाइम यहाँ पर विश्राम कर सकते दिन हो रात हो निःशुल्क ठीक है गौरी गोपाल आश्रम का ये हॉल है और ये आपका ठीक जो आपका भोजनालय हॉल है वृद्ध माताओं का जो ऊपर में हॉल है मतलब ठीक हॉल के पास में ही है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं ठीक है तो सही है बहुत बढ़िया है गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से श्री अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से बहुत बढ़िया मतलब ये कार्य किया जा रहा है जो कि दर्शनार्थियों के लिए भक्तों के लिए और समाज और देश के हित के लिए है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है बाकी यहाँ पर आकर तो भैया से ही मुलाकात हुआ क्या नाम हुआ आपका पिंटू सिंह भाई साहब है तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा स्थल गौरी गोपाल आश्रम ठीक है
ये भवन है जहाँ से गुरु महाराज जी कथा वाचन करते, ठीक है। चलेंगे अभी अंदर। ये आप देख पा रहे ये परिक्रमा मार्ग है, ठीक है, ये परिक्रमा मार्ग है, चलते अंदर। और आप लोगों ने इच्छा करा कि केवल अपना ही नहीं, अपने पितरों का, अपने गुरु के दर्शन।